नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने फिजिक्स मैकेनिक्स का पेपर आपके सामने लेकर आया हूँ, क्योंकि हमारी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम मार्च में शुरू होने वाले हैं और हमें पेपर का डिजाइन किस तरह का आता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये सभी जानने की आवश्यकता है। और हम इसी आवश्यकता को मैं पूर्ति करने के लिए आज आपके सामने BSc फर्स्ट ईयर यानी मैकेनिक्स का पेपर लेकर के आया हूँ। तो सबसे पहले हमें मैकेनिक्स के पेपर में अच्छे मार्क्स अचीव कैसे करें और पेपर का डिजाइन किस तरह का रहता है देख लीजिएगा। ये इसमें से 10 क्वेश्चन आएंगे जो एक मार्क्स के होंगे भाग ए में, और भाग बी में 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और करने हैं। और भाग सी में 5 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा, उनमें से हमको कोई भी 3 क्वेश्चन चूज करके हम उसे अटेम्प्ट करने हैं। कुल मिलाकर हमें कितने परसेंट अटेम्प्ट करने हैं? 10+5+3 18 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, और इसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो सब अब आप एक नंबर के क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो सबसे पहले एक नंबर का क्वेश्चन कौन सा, ये वाला डिफाइन कोरिलियस फोर्स, उसके बाद में सेंटर ऑफ मास, इस तरह के रेड्यूस मास क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, फोरियर सीरीज इंपॉर्टेंट है 2020 के एग्जाम के हिसाब से, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन 3D रोटेशन फ्रेम इंपॉर्टेंट है। अब आपको यूनिट सेकेंड में से 2 क्वेश्चन, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर में से फोरियर सीरीज, ये वाला आ गया इम्पोर्टेंट है फोरियर सीरीज 2020 के एग्जामिनेशन के हिसाब से। 2020 में फोरियर सीरीज का क्वेश्चन पक्का आएगा, और एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ कोरिलियस फोर्स ऑन पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली ऑन अर्थ सरफेस, एक हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों आप पढ़ लीजिएगा। सिंपल डेरिवेशन है, मैंने आपका इसके लिए वीडियो बना दिया है, आप मेरे चैनल पर होम पेज पर जाकर के देख लीजिएगा। अब डेराइव लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन फोर्स्ड आर्मोशन हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑसिलेटर सॉरी। ये आपके 7 मार्क्स की क्वेश्चन है लास्ट वाले, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, और हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा हुआ है। तो आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।